नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गणित का छठा नंबर का प्रैक्टिस सेट टॉप 10 डेली प्लस, यानी कि पिछले 5 वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ये इसमें 10 क्वेश्चन और करेंगे। लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा सा हाई किया गया, ठीक है, थोड़ा सा हाई, ज़्यादा नहीं, सिंपल ही होंगे। और ग्रुप डी में इतना लेवल हाई का क्वेश्चंस नहीं आता, मैं करूँगा हाई, लेकिन धीरे धीरे मैं ये एक एक स्टेप आप चलते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 12012 लिख को दिखाने को, लेकिन 12012 लिख को आपने दिखा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया था कि वो 12012 नहीं लिखना था आपको, 12212। ये एक नंबर होता है मैथमेटिकल का, आप एक तो बात मानते हो ना कि ये नंबर है 12012। बैंक में तो जमा कर सकते हो अमाउंट, लेकिन उसको अगर जो आपको नंबर में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे 12012। एक बार आप चेक कर लेना लिखने के बाद कि वो 12012 है कि नहीं, ठीक। तो छठा वीडियो है, लाइक कर देना वीडियो को, और जो लोग अभी भी जोड़े चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन क्लिक कर देना, जिससे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि घर में शादी है 16 तारीख को, तो मैं ये वीडियो रात में या फिर दिन में कभी भी थोड़ा सा शांति मिलता तो मैं बना लेता हूँ, इसलिए हो सके एक दो दिन वीडियो ना मिले तो उसके लिए थोड़ा सा नाराज मत होइएगा। छठा वीडियो है, इसको शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट बाई करते हैं RRB NTPC या ग्रुप डी, आप ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो मान लो संख्या x है और y है, उनका गुणनफल दिया है, वर्गों का योग दिया है 106, तो संख्या बताना है। अब गुणनफल क्या होगा, x into y कितना दे दिया है, x into y आपका दे दिया है 45, और क्या दिया है, वर्गों का योग, यानी कि x² + y² दे दिया है आपका, क्या दे दिया है आपका, ये दे दिया आपका 106 आपको, xy दिया है और x² + y². अब आपको पता है x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + 2xy। अब आपको क्या दिया है, xy दिया है, x² + y² दिया है, ठीक है। तो आप निकाल लो यहाँ से x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपने यहाँ पे पुटअप कर दो सब कुछ, क्या होता है x² + y² ये हो गया 106 + 2xy, यानी कि 45। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 196 आ जाएगा, और x + y² 196 आ जाएगा, तो x + y का कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x + y आपका आ गया 14। अब आप इसी प्रकार से सेम आप पुटअप कर दो x - y का होल स्क्वायर में, आप पुटअप कर दो x - y का होल स्क्वायर होता है x + x² + y² - 2xy। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x² + y² दिया है 106 हो गया, -2xy है, तो -2 × 45 यानी कि 90 हो जाएगा। अब 106 में से आप 90 को घटाओगे 16 आएगा, तो x - y² 16, तो x - y हो जाएगा 4, अब आपको क्या पता चल गया, x + y = 14, x - y = 4, क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी यहाँ पे 9, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। ये मैं आपको सॉल्व करने को नहीं बताऊंगा, इतना तो आप कर लोगे। तो आंसर देखोगे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे देखो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याएं 5 और 9 होंगी, पहला क्वेश्चन हो गया। ये देखो 2002 के एग्जाम में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो क्या दिया है, योग, संख्या मान लो आप, वही मान लो xy, तो xy मान लिया तो उनका योग दिया है x + y दिया है आपका 16, गुणनफल दिया है x * y दिया है आपका 55, आपने संख्या माना था xy है, इनका व्युत्क्रम कर दो इन संख्याओं का, x/x हो जाएगा व्युत्क्रम, और 1/y हो जाएगा दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का योग करो। अब इसको सॉल्व करो तो x + y हो जाएगा, x + y / xy हो जाएगा, ठीक। x + y पता है x + y 16 है और xy है 55, 16/55 ऑप्शन मिल जाएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि a = 16 b = 5, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³, पहले मैं इसको बता देता हूँ, a³ - b³ होता है एक कोष्टक में a - b, दूसरे में होता है a² + ab + b²। अब आप देखोगे जब इसको आप खोलोगे फार्मूले से, तो यहाँ से ये वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/a - b, 1/a - b,
और यहाँ पे a माइनस बी, ए 16 है, b 5 है, यानी कि 16 में से 5 घटा दोगे तो 1/11 आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना बच्चे, समझ में आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को। चलो अभी कमेंट करना, कमेंट करते रहो और वीडियो में कमेंट करते रहो, ठीक है। लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया है, रीजनिंग का PDF प्रिपेयर हो गया है, बस जैसे ये शादी वाला फंक्शन जो कंप्लीट हो जाता है मैं आपको कंप्लीट और भी बहुत सारे PDF आपके लिए लाने वाला हूँ। तो ये चौथा क्वेश्चन है, 3 पे पावर x - y = 27 और 3 पे पावर x + y = 243, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 3 पे पावर x - y आपने लिखा, ठीक है। अब इसको आप 3 की पावर कितना लिख सकते हो, 27 को 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो इसमें कोई फर्क नहीं किया 3 पे पावर 3। अब आपको पता है जब आपके ये समान होता है तो घाते भी समान होती है, तो यहाँ से x - y = 3, ठीक, ये एक वैल्यू पता चल गई। इसी प्रकार से आप इसको लिख दो, 3 पे पावर x - y = 243, 3 पे पावर 5 43 होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये बेस समान होता है तो घाते भी समान होती हैं, तो x - y = 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें पता चली, एक तो x प्लस y है, x - y = 3, x + y = 5, इसको दोनों को जोड़ दो, ये काटेगा, 2x = 5 + 3 = 8, x = 4 आ गया। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो कि इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू पूछा था तो 4 ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, sin θ = 8/10, तो tan θ का मान निकालना है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो कि आसानी से निकल जाएगा। तो sin θ बराबर होता है sin θ, यहाँ से अगर जो बनाते हो ये आपका त्रिभुज है, ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे आपका ये पता है आपको 8 हो गया और ये पता आपको 10 हो गया, आप ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, आधार स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर करोगे या फिर आधार बराबर रूट में कर दोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका ये है 10 स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर 100 माइनस ये कितना है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 100 में से 64 घटाओगे रूट 36 आएगा, रूट 36 को हम 6 लिख सकते हैं यानी कि ये हमारा 6 आ गया। तो tan θ बराबर होता है, tan θ बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब आपका 8 है, आधार आपका 6 है, यानी कि 8/6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट दे दिया, इसको आप ले लेना, 0 से 90 तक के कोणों के त्रिकोणमितीय मान आपको याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा बी 45 घंटे में भर सकता है, तो यदि दोनों टंकी पहले से खाली हो तो दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सेम तरीका जो मैंने पहले सॉल्व करता था, ए भर सकता है 30 घंटे में, अभी भर सकता है 45 घंटे में, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लोग 90 आएगा, इसका इफिशियंसी देखोगे 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, दोनों खोल दिए जा रहे हैं तो 90/3 तो 5 हो जाएगा, इसको आप काटोगे तो आपका निकल के आा जाएगा 18 घंटे लगेंगे टंकी अगर जो दोनों पाइप खुले हो तो पूरा भरने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है, ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है, ए शुरू करते हुए एकांत दिनों पर कार्य करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न जब भी दिए रहे, क्या दिया है, एकांतर कार्य करते हो, ठीक है, मतलब आप ए और बी हो दो लोगों, तो ऐसा होता है कि आप एक दिन ये करो, एक दिन ये करो, फिर दूसरे दिन ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, इस प्रकार से कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें पहली बात आप इफिशियंसी निकाल लो, दोनों की इफिशियंसी क्या है, या कितने ए कितनी इफिशियंसी के साथ कार्य करता है, बी कितनी इफिशियंसी के साथ कार्य करता है, ये निकालना बहुत जरूरी। तो सेम प्रोसेस जैसा आप पहले करते, तो अभी थोड़ी देर पहले किया, एलसीएम मेथड आप लगा लो, ए 16 दिन में काम को पूरा करता है, बी अकेला, बी 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 16/32, 16/48, 48 ये हो गया पूरा टोटल काम हो गया, और यहाँ से ए की इफिशियंसी निकल जाएगी 3 हो जाएगी और बी की इफिशियंसी 4 हो जाएगी, ठीक है। कैसे, 12 में 4 का हमने 48 में हमने 12 का भाग दिया, इफिशियंसी निकल गया, ए 3 इफिशियंसी से काम करेगा, बी 4 इफिशियंसी। अब देखो शुरुआत ए करता है, ए ने 3 के साथ शुरू किया पहले दिन, बी ने 4 के साथ शुरू किया दूसरे दिन, यानी कि 2 दिन का काम हो गया 7, टोटल काम 48 है। अगर जो हम देखें इसमें गुणा कर दें हम लगभग 7 × 7 = 49, 6 का गुणा करें तो यहाँ पे आपका 12 दिन हो जाता है, ये 12 दिन हो गया,
12 दिन हो गया, और यहाँ पे कितने हो गए, 7 है, 7 में 2 का 6 का गुणा किया, 7 छक 42, 42 काम हो गए 12 दिन में। अब 12 दिन जो काम हुआ वो बी पे आके ख़त्म हुआ, नेक्स्ट दिन यानी कि 13वें दिन कौन काम करेगा, 13वें दिन काम करने आएगा ए, ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि 3 काम और हो जाएगा, यानी कि 45 काम हो गया कितने दिन में, 13 दिन में। काम बचा कितना, 2 काम बचा, और टोटल काम 48 है, 3 काम बचा, 3 काम बचा, और 3 काम बचा वो कौन करेगा, आपका बी करेगा, कितने की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से, 3/4, और कितने दिन में टोटल हुआ, 13 दिन में। ठीक है, 13 सही, 3/4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल तरीका है, ये तरीका सॉल्व करोगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, 15, 30, 45, 60 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब देखो 10 ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लोगे 6 हो जाएगा, बीसी की एफिशिएंसी निकालोगे 4 हो जाएगा, एसी की एफिशिएंसी निकालोगे 12, 25, 5 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब तीनों को आप जोड़ो, एफिशिएंसी को जोड़ो और इसको जोड़ो, इसको आप जोड़ोगे 2a + b + c आएगा, 2a + b + c आ जाएगा आपका, 6, 4, 10, 5, 15, और a + b + c आ जाएगा, ये 2 आपको नीचे लाओगे 7.5 आ गया, कितना आ गया 7.5। अब क्या पूछा, तीनों मिलके काम करें, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5, टोटल काम 60 है, 60/7.5 करोगे, ये आपका आएगा 8 दिन, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। बस इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करना, यहाँ पे और भी पूछ सकता था कि a + b की एफिशिएंसी काम करें अकेले, सॉरी यहाँ से पूछ सकता था सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो सी निकालने के लिए 7.5 आया है आपका तीनों का, तो ए बी घटा दोगे, ए बी कितना है, ए बी का एफिशिएंसी 6 है, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी 1.5 होगा, तो आप 60/7.5 को डिवाइड कर देना। इसी प्रकार से बी का भी निकाल सकते थे, इसी प्रकार से ए का भी निकाल सकते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 50 किलोमीटर पर घंटे से गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर घंटे से चली, बस आगे चल रही है, कार पीछे चल रही है, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटे, बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटे, यदि कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। कार की चाल आपको पता है 50 किलोमीटर पर घंटे, बस की चाल पता है 30 किलोमीटर पर घंटे, सापेक्ष चाल आपको निकालने आता हो, सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप ट्रेन अगर जो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल से जा रहे हो 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और आपके आगे एक बस जा रही है 70 किलोमीटर पर घंटे, अब देखो सापेक्ष चाल की बात करें, बस में जो बैठा व्यक्ति है उसके सापेक्ष आपकी चाल अगर जो देखें तो आपकी चाल इनमें से माइनस कर दोगे उतनी आपकी चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात करें तो 20 आपका किलोमीटर पर घंटे सापेक्ष चाल हो गया। अब कार द्वारा बस को पकड़ने में लगा समय 15 मिनट है, 15 मिनट को आप घंटे में बदल दो तो 15/60 घंटे हो जाएगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है आपका 20 किलोमीटर पर घंटे, समय कितना है 15/60, इसको सॉल्व कर देना आपका आंसर निकल के गा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी आपकी दोनों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष में 572 रुपया, 3 वर्ष में 568 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, 572 से 598 हो गया, कितना ऐसा ही हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 26, सिंपल इंटरेस्ट 26, कैसे 572 से 598 26 रुपया बढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट 26। और यहाँ पे क्या है, क्या आपको 500, यहाँ पे देखो 26 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता 2 वर्ष में 572 हो गया, तो 2 वर्ष में आपको 2 बार सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 26 दो बार इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो 26 52 आप घटा दो 572 में से, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 520 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ऐसा ही आपको पता है, आप एक वर्ष मान लो, या तो अगर जो आप 2 वर्ष लगाते हो वो इंटरेस्ट निकालने के लिए, ब्याज की दर निकालने के लिए, तो आप 572 पुट करोगे, नहीं तो आप एक काम करो y = 1 t = 1 लिख दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, r बराबर होता है SI × 100, SI कितना 26 × 100/520 यानी कि प्रिंसिपल गुड़े 1 करो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 5% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 5% आपका जो ब्याज की दर है r है आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, दो प्रकार से कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे जो SI है देखो डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप
डायरेक्ट कर सकते थे किस प्रकार से कि यहाँ पे जो 26 है इसकी जगह 52 रखते, ठीक है, 52 गुणे 100 करते तो आप 520 डायरेक्ट यहाँ रखते और दो बार करते। देखो यहाँ पे कैसे 26 तो एक साल का ब्याज इंटरेस्ट है, 26 एक साल का इंटरेस्ट है। अगर जो आप दो से एक प्रकार से आपको सॉल्व करने आ गया, अगर जो आप डायरेक्ट दो वर्ष पर करना चाहते हो, देखो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना था, 26 था, दो वर्ष का इंटरेस्ट 52 हो जाएगा, 52 गुणे 100 बटे यहाँ पे आप 572 पूरा लिख सकते थे, सॉरी 500 प्रिंसिपल लिखना, प्रिंसिपल 520 तो लिखना ही पड़ेगा। और गुरे अब यहाँ पे दो वर्ष का है ना, दो वर्ष का आपने ऐड किया 52, तो यहाँ पे दो करते, इसको अभी आप सॉल्व करोगे तो अभी आपका 5% ही आएगा। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन आज के सीरीज का। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं शुरू में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।